वा बेना वा ये लो। अरे ये क्या वीरा, तुम्हारी आम की कटोरी तो एकदम खाली है, तूने अमरस क्यों नहीं लिया? बेना मेरा बहुत खाली है रस, बस बस बेना। अरे क्या, नहीं नहीं ये सीजन का आखिरी अमरस है, फिर अगले साल देखने को मिलेगा। और ये क्या टप्पू के पापा, अब सुंदर के बाजू में बैठा है तो जरा उसका ध्यान रखिए, उसको आग्रह कीजिए। अरे क्या आग्रह कीजिए, रस का पूरा कटोरा उसकी कटोरी के बाजू में, मैं यहाँ से उसको कैसे आग्रह करूँ? और तो आग्रह क्या करने का, वो मेहमान थोड़ी है, घर का सदस्य है भाई, खाना भाई लेना जो मर्जी खा लेगा वो। हाँ ले ले, पहले रस ले। फोन फोन है सुंदर, फोन। हाँ बेना। हाँ बोले बोले तुम्हारे साहब। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपकी सब सेटिंग हो गई है। लो बोलो, हो गई इसकी सेटिंग चालू? अरे धमालिया साहब आप मुझ पे विश्वास रखो, अरे आप आंख बंद करके मेरे पे भरोसा कर सकते हो। आंख बंद करके ऐसा पीछे से धक्का मरेगा कि सीधा गिरेगा गड्ढे में। अरे धमालिया साहब मैं आपको गड्ढे में थोड़ी गिराऊंगा। अरे धमालिया साहब, अरे कुछ कर बननी होगी, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, आप किसी को मत बताना, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, दोनों की फिट्टू। ओके चलो मैं फोन रखता हूँ। अच्छा अच्छा मिलते हैं, बाय। अरे भाई ये क्या, कौन सी सेटिंग की बात कर रहा था तू? अरे क्या तेरी भी चुप मेरी भी चुप, कौन है धमालिया, कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी तो नहीं है ना भाई? माय डियर जीजाजी, आपको आम से मतलब है क्या रस से है? अरे सुंदर कहना चाहता है कि तुझे आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से? देख भाई सुंदर, जीपीएल का चक्कर में तू कोई गोलमाल गड़बड़ मत करना, वरना मैं सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। देखिए टप्पू के पापा, मेरे वीरा ने आज तक कभी भी गोलमाल गड़बड़ नहीं किया और वो हमेशा सबको फायदा ही कराता है, और इस बार भी सोसाइटी को फायदा करवाने के लिए खास अहमदाबाद से वो यहाँ पर आया है, और आप उस पर ही शक कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं बेना, जीजा जी को मेरी फिक्र हो रही है इसलिए ऐसा बोल रहे। अरे मेरे जीजा जी तो वर्ल्ड बेस्ट है, बाकी जीजा जी लोगों की कुम में ज्यादातर जीजा जी ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने साले पे शक ही किया करते हैं, लेकिन साले लोगों की कुम में सब साले एक सरीके, चुपचाप हमेशा अपने जीजा जी का काम किया करते हैं। जीजा जी अभी आधे घंटे के बाद सोसाइटी कंपाउंड में जीपीएल की मीटिंग है ना, वहां मैं सारी बातें अनाउंस करने वाला हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बस आपके सारे डाउट में वहां क्लियर कर दूंगा। बेना घी है जरा रस में डालना, वायु हो जाता है। हाँ, ठीक रहती है।